राजस्थान के फलौदी में कोविड 19 के बचाव को लेकर लॉकडाउन काल में पुलिस द्वारा जब्त प्रतिबंधित माल जो प्रेस लिखे वाहन में लाया गया था, जिसके खिलाफ उचित कार्यवाही न होने पर जागरूक पत्रकार व IFWJ के सदस्य धर्मेंद्र कुमार सोनी द्वारा 22 जून यानी आज से ही पुलिस थाना समक्ष दिया गया। अनिश्चितकाल अनशन 2.5 घंटे में ही मांगे माने जाने के बाद खत्म कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पत्रकार धर्मेंद्र कुमार सोनी द्वारा प्रेस लिखे वाहनों के दुरुपयोग व जब्त वाहन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज अनशन पर बैठने पर महज 2.5 घंटे में ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रातः 10 बजे शुरू हुआ अनशन 12:30 बजे पुलिस द्वारा अनशनकर्ता सोनी की मांगे मानकर खत्म करवा दिया गया। इस दौरान विभाग के वृत्ताधिकारी व्रत फलौदी पारस सोनी व थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चौधरी तथा IFWJ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक थानवी व फलौदी जिला अध्यक्ष राम अवतार बोहरा की मध्यस्थता के बाद समझाइश व सहमति के बाद अनशन समाप्त किया गया। संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर से दिशा निर्देश का पालन करते हुए पुलिस विभाग से बात भी की। समझौते में पुलिस विभाग ने अब तक की गई कार्यवाही बताई और कहा कि इसमें यदि कोई धारा नहीं लगाई गई है तो जानकारी में लाएं, हम उस धारा को भी लगाएंगे। धर्मेंद्र कुमार सोनी की मांग पर पुलिस विभाग ने कहा कि शहर में प्रेस, पुलिस व एम्बुलेंस लिखकर ऐसे वाहनों के माध्यम से अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर ऐसे वाहन जब्त किए जाएंगे। इस दौरान शहर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रमेश व्यास, अशोक मेघवाल, बंशी लाल, निरंजन, HP व्यास व प्रहलाद पुरोहित सहित IFWJ संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। सर, वो भी एकल धरना किस तरह से दे रहे हो? ऐसा है कि पुलिस की हठधर्मिता से परेशान होकर मैंने ये अनिश्चितकालीन अनशन का निर्णय लिया है। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक जर्दे का जखीरा बरामद किया गया था, उस गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा हुआ था। मैंने आपत्ति दर्ज करवाई, सबको भेजा, बड़े उच्च अधिकारियों को भेजा, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। पता नहीं फाइल के ऊपर कितना वजन है कि वो फाइल हिल ही नहीं रही है। तो मेरी मांग यही है कि फलौदी क्षेत्र में जितने भी वाहन हैं उनके ऊपर प्रेस लिखा हुआ, उनकी जाँच की जाए और जो गलत है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यहाँ तस्कर इसमें किए जो काले कारोबारी है वो सब प्रेस लगाकर घूम रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम करने की साजिश है और वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो जब्त बिलोरा है उसके मालिक और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मेरी मांग है पुलिस। कब तक चलेगा ये आह्वान? अनिश्चितकालीन, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र को चौथे स्तंभ को बदनाम करने की साजिश है, तो ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक पुलिस मेरी मांगे नहीं मानती।